हैरानी हुई मुझे देखकर। मुझे पता था रोहन, तू दिन के उजाले में ना सही, रात के अंधेरे में मुंह छुपा के मुझसे मिलने आएगा जरूर। और हाँ, ये नाक पे रुमाल क्यों रखा था? हाँ हाँ हाँ, इस बस्ती की बू आ रही होगी ना तुझे। सच जैसे कड़वा होता है ना, बहुत लोग उसे झेल नहीं पाते, वैसे सच्ची और असली दुनिया की एक अलग ही गंध होती है। नकली दुनिया में रहने वाले लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बोल, क्यों आया यहां? क्या कर सकती हूं मैं तेरे लिए? सर, रात को आने की एक वजह है, मां ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। आप नहीं जानती मूर्ति जी को, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस जगह के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ वापस चलिए। तेरे साथ चले, इस बस्ती को छोड़ दो, ताकि तू इन बस्ती वालों के साथ जो मन में आया करे। अभी भी तू अपना नाम रोहन गढ़वी ही लिखता है ना, कि बदल दिया है, अब रोहन मूर्ति हो गया है तू? नहीं, क्योंकि काम तो तू मूर्ति जी जैसे ही कर रहा है। हो गया क्या? और कुछ कहना बाकी है? आप ये क्यों कर रही हैं? बस्ती वालों को मेरे खिलाफ क्यों खड़ा कर रही हैं आप? मैं किसी को किसी के खिलाफ नहीं खड़ा कर रही हूँ रोहन, मैं सिर्फ और सिर्फ सच और सही के लिए खड़ी हूँ। ये बस्ती वालों की जिनकी तू बात कर रहा है, उन लोगों ने मेरा साथ तब दिया जब मेरा अपना बेटा मुझे अकेला छोड़कर, अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया था। और पता है, न्याय के लिए की जाने वाली हर लड़ाई को अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा करना चाहिए। मैं कहीं नहीं आ रही, मैं यहीं रहूंगी इन बस्ती वालों के साथ, इसी बस्ती में। भाभी, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं कर रही है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम को तो गले लगा लिया है मैंने, और कोई बच्चा नहीं ना गले लगाने वाला। जा, जा यहां से। इस गंद भरी बस्ती में अपना समय और बर्बाद मत कर। रुक। कि मैं मानता हूं कि ये ऑर्डर कैंसिल करने से उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। आगे से ही रिक्शा मिल जाएगा ना? ला ला ला। अरे काकू, क्या कर रहे हो आप? खाते ना, चलना। मैं एक भारी ना एक बैग उठाया हुआ आपने। हाँ, लेकिन ये इतना भारी नहीं है। एक मिनट ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। देख, वो दुकान का ही फोन है। हेलो, हाँ मोटा भाई, हाँ बस आपकी वहीं आ रहे हैं, ये 100 पैकेट थेपड़ा और अचार लेकर। हाँ, ओ अम्मा, मैं भी यही इन्फॉर्म करने के लिए आपको फोन करने वाला था। वो क्या है ना कि हमको ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। क्या कैंसिल कर रहे? वो कुछ दिन दुकान बंद रहेगा हमारा, कभी थोड़ा अर्जेंट बाहर जाने का है, तो इतना ज्यादा माल लेगा तो खराब हो जाएगा ना। इसके लिए ये कैसी बात हुई अन्ना? ये हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है कि आप दुकान बंद कर रहे हैं। आप ऑर्डर दे चुके हैं, हम इस सामान का क्या करेंगे? और हम निकल भी चुके हैं अब तो। अभी क्या करेगा, प्रॉब्लम हो गया तो ऑर्डर बोल के दिया था, कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया था ना? अरे बात वो नहीं है, इतनी मेहनत से हमने ये 100 पैकेट थेपला और ये मिर्ची का अचार सब शीशियां तैयार की है अचार की। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, लेकिन धंधे की भी एक का असूल होता है ना, जुबान दी है आपने, तो फिर आपको लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप ऐसा? अम्मा, अभी हम कुछ नहीं कर सकता है, I'm sorry। अन्ना, हम रास्ते में ये तो गड़बड़ हो गए चिनू,
क्या करेंगे आप? ये भी वापस, हमारा भी सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। खरीदार लोग खरीदने से मना कर दिया। एक ने बोला वो शहर से बाहर जा रहा है, तो अब दुकान बंद रहेगी। अब क्या होगा अम्मा? मुझे तो ये सामान रखने के लिए मना कर दिया, बोला दुकान में जगह नहीं है। जब मैंने पूछा कि जगह नहीं थी तो ऑर्डर क्यों दिया, तो बोला गलती से हो गया। बताओ ये भी कोई बात हुई? इतना सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया अक्का, अब पैसा कहां से आएगा? इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ कैसे कैंसिल हो सकते हैं काकू? ये नॉर्मल नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया एकदम अचानक से एक साथ। काकू हो सकता है सब रोहन ने करवाया हो। मतलब मैं मानती हूँ कि वो बहुत कुछ गलत कर रहा है चीनू, लेकिन नहीं नहीं वो ये हद तक नहीं जा सकता। अगली इंस्टॉलमेंट तैयार है मैडम? नहीं नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो समय है ना अगली किश्त भरने में, तब तक भर देंगे जब समय आ जाएगा। तब तक ये ऑफर तुम लोगों के हाथों से निकल जाएगा जो बिल्डर दे रहा है तुम सबको। सोचो, रहने को नई जगह दे रहा है तुम सबको, पर तुम लोगों को इस पुराने से आनंद नगर में मरना है। बाकी तुम लोग देख लो। काकू, मैं देखती हूँ ये कौन करवा रहा है, मैं पता करूंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.